लॉकडाउन में आपको कुछ कुछ सुविधाएं मिली? आपको चाल दाल आलू प्याज। ममता दीदी आएगी? दीदी थाक बे? हाँ। दादा थाक बे? না দিদি থাকবে, দিদি থাকবে। হ্যাঁ, আর মোদি যাবে? মোদি যাবে। কেন বলবো না, অনেক আমাদের উপকার করেছে দিদি। দিদি আমাদের লকডাউনে অনেক কিছু দিয়েছে, বাচ্চাদের পড়ার পয়সাও পেয়েছি 10,000 করে, তারপরে বই খাতা দিচ্ছে, সব কিছু দিচ্ছে। তো দিদিকে দেবো না তো কাকে দেবো ভাই? সাবস্ক্রাইব করে জনতা কি আওয়াজ আপ তক কো আর বেল আইকন কো দবায়ে আর পায়ে সবসে পহেলে নিউজ। हेलो दोस्त, मैं साकिर आजम, आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। अभी मैं बंगाल दौरे पे हूँ इलेक्शन के, और ये जगह जो है बीबी बगान के नाम से जाना जाता है, और ये जो विधानसभा 163 विधानसभा है, और यहाँ के जो विधायक 2 बार से रह चुके हैं स्वर्णा कमाल साज, और मैं जानना चाहता हूँ यहाँ की पब्लिक लोग बहुत सारे है, जिनसे मैं जानना चाहूंगा कि इस बार जो आप लोग का जो राय है, और कुछ महिलाएं यहाँ पे है, तो मैं पहले सवाल ये करना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार कहती है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो आप जो है, मैं अभी रात के 10 बजे यहाँ पे खड़ा हूँ और कई सारे महिलाएं खड़ी है, उनसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार कहती है कि महिलाएं जो सुरक्षित नहीं है, तो क्या आप लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है? हम लोग है। आपका नाम क्या हुआ? बबीता खातून। अच्छा। हमको ममता सरकार चाहिए, ममता ये जीतेगी सब कुछ अच्छा होगा। तो ममता को ही आप क्यों जानना मतलब चाहते हैं कि ममता ही सरकार बने? अच्छा कि हम लोग कर लिए, हाँ जी, पानी लगा दिया, बहुत कुछ तकलीफ जो था सब अच्छा किया है। लॉकडाउन में आपको मिला? हाँ, बहुत कुछ मिला, जो मिला बहुत कुछ मिला, सबको मिला, सबको मिला, बहुत कुछ मिला हम लोग को। बहुत से आदमी का हेल्प दीजिए है ना, बहुत हेल्प हुआ, चावल आटा दे दीजिए, पेट में खाने दे, बहुत कुछ दीजिए। तो आपकी बार जो सरकार कन्या राशि वगैरह मिल रही है? सब सब मिला हम लोग को। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट है, उससे भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी सरकार कहती है केजी से लेके जो पीजी की पढ़ाई जो है बिल्कुल मुफ्त करेंगे, तो क्या अभी ममता बनर्जी है, आप स्टूडेंट है, क्या ममता बनर्जी ने आपको क्या क्या सुविधा दी? बीजेपी का हर एक प्रॉमिस गलत रहा है, उन्होंने तो मुझे बहुत सारे लोगों को कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, तो वो सब सारा गलत है। हम कैसे मानने कि वो 1 से लेकर प्राइमरी बच्चे को मुफ्त पढ़ाई करेगी, लेकिन ये सब गलत है। उन्होंने जो मैनिफेस्टो में एक और बात कही है कि जो रोजगार मिलेगा उसमें महिलाओं को 33% हम जो आरक्षण देंगे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या महिलाओं की नहीं, वो महिला के लिए वो तो एकदम ही मतलब गलत सुविधा दे रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो सिर्फ झूठ बोलते हैं कि वोट लेने के लिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब कि हम ये करेंगे, मतलब वो करेंगे, अगर वोट ले लेंगे उसके बाद सब खत्म हो जाएगा उनका। ये तो आपकी बार आप जो है किसको मुख्यमंत्री के रूप में जानना चाहते हैं? हम ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी? ममता बनर्जी को ही क्यों आप चाह रहे हैं? क्योंकि उनका काम, उनका बिहेव, उनका जो पोजीशन है, उनका जो प्लान है ऑल ओवर इंडिया का अलग ढंग से है। आपका नाम क्या हुआ? अजीम खान। अजीम खान जी, बीजेपी कहती है कि यहाँ पे जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गुंडा राज है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसको पहले बीजेपी को पूछिए कि योगी आदित्यनाथ के स्टेट में क्या होता है, वहाँ महिला सुरक्षित है, उनको पूछिए। गुजरात में जो दंगा हुआ था, जो बच्चा लोग को, जो औरत लोग को जो मार के फेंक दिया था, वो चीज वो भूल गया मोदी जी? बीजेपी का मतलब मोदी जी, अमित शाह। तो अभी जो आपका ये जो विधायक है स्वर्णा कमाल शाह जी, उन्होंने इस मोहल्ले के लिए क्या क्या सुविधाएं दी? क्या क्या? बहुत कुछ किया। क्या नहीं किया? लाइट जो देख रहे ना, लाइट है आपका, पानी, लाइट, बिजली, सब सुविधा है। सबसे बड़ा चीज है, देखिए यहाँ राइट नहीं हुआ, ये दंगा नहीं हुआ, जो जो कम्युनल फीलिंग है वो यहाँ नहीं है। सबसे अच्छा ममता है, ममता हर चीज का में सब कुछ देता है, घर घूर पैसा वैसा बाल बच्चा को देखता है। ममता का वोट दिया जाएगा, मोदी को वोट नहीं दिया जाएगा। ममता दीदी ने आपको क्या क्या सुविधाएं दी है? ममता दीदी अनेक भालो, ममता दीदी सब देखे, सब देखी ख्याल करे, सकल सब बड़ो छोटो माने, सब সবার বড় সম্মান, মান সম্মান সবার দিয়ে করে, সবাই দেখে রাস্তাঘাট, পানি, ঘর দোর সবাই দেখে, কি গরিব কি আমির কি ফকির, মমতা এটা দেখে না, মমতা এটাই দেখে। রাম পাবলিক যেরকম, আমিও তেমন, আমিও রাম পাবলিক কো দেখব, রাম পাবলিক আমারও দেখবে। বিজেপি সরকার ইয়ে কহতি হ্যায় কি ইয়াহ পে জো হ্যায় মহিলায়ে সুরক্ষিত নহীঁ হ্যায়। রাত কে 10 বাজে হ্যায়, মাই আপসে বাত কর রাহা হুঁ, ইয়াহ পে কাই সারি মহিলায়ে হ্যায়, কি আপ সুরক্ষিত নহীঁ হ্যায়? बिल्कुल हाँ जी, ठीक बैठ के। हाँ, हम लोग घर में है, हम लोग बाहर थोड़ी ना जा रहे हैं, यहाँ का झमेला कुछ नहीं हो रहा, सब तो सुरक्षित बैठ के रहते हैं। अब बीजेपी सरकार जो है अभी बंगाल में आके कई सारे मैनिफेस्टो जारी किए हैं, और किसान के हित में भी वो बात कर रही है, तो अभी तो किसान के बारे में आप जान रहे हैं कि 4 महीने होने वाले हैं, अभी तक सरकार ने कुछ नहीं सुनी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मोदी जी अंधा है,
उसका पार्श्व से कोई शिकायत माने दिल का कोई बात ही नहीं सुनते हैं, किसान का कोई बात ही नहीं है। वो चाहते हैं हम डिक्टेटरशिप चलाएंगे, हम जो बोलेंगे हिंदुस्तान वही होगा, ऐसा नहीं होता है। बीजेपी ने एक और बात कही है कि अगर हम वेस्ट बंगाल में हमारी सरकार बनती है तो हम सीए लागू करेंगे। वही उन्होंने जो है आसाम में कहा कि हम एनआरसी नहीं होने देंगे, इससे इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो गलत बात है, उसका हर चीज गलत है। एक नंबर झूठा प्राइम मिनिस्टर है, आज तक हिंदुस्तान में ऐसा पीएम नहीं आया है। ये अमाम बोलते हैं, हम भी इसके साथ एक, इधर हर बात झूठा बोलता है, कोई ऐसा बात बोलिए सच्चाई हुआ है? हमने यह क्या किया? आप हमको बोलते हैं जो हम 1,00,000 रुपया देंगे, लेकिन अभी आप आप अपने स्टेट में दिया, गुजरात में दिया 1,00,000, यूपी में दिया, जहाँ जहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट है वहाँ पर ये लागू किया। हमारे यहाँ देखिए 700 साथी है, समूह साथी है, बहुत सारे काम हमारे पास प्रकल्प है दीदी का, ममता बनर्जी का बहुत कुछ है, आपने कहा नहीं इसे किया? आने वाला दिन मत बोलिए, अभी क्या है आपका स्टेट में क्या है हमको बोलिए। हम लोग सब सरकार चाहता है, जो आएगा वही हम लोग के लिए अच्छा है। मतलब आप ममता बनर्जी को चाह रहे हैं या बीजेपी मोदी को चाहते हैं आप? अभी जो आएगा उसको ही हम लोग मानेंगे। आप किसको मतलब वोट करने वाले? आपको कौन सा नेता आपको अच्छा वोट लगता है? हम किसको देंगे, मेरा मैटर है, हम किसी को काहे बोलेंगे। तो यहाँ पे ममता दीदी ने आपको सुविधाएं वगैरह दे रखी है? हाँ दिया है। लॉकडाउन में आपको कुछ कुछ सुविधाएं मिली? आपको चावल दाल आलू प्याज। तो आपकी बार ममता दीदी की मोदी सरकार? ममता दीदी ही क्यों चाह रहे हैं? सुविधाएं वगैरह मिली इसीलिए ममता दीदी आएगी। दीदी अनेक देखे छे, दीदी थाकबे दादा थाकबे ना दीदी थाकबे दीदी थाक हाँ और मोदी जाबे मोदी जाबे दीदी को ही क्यों हाँ दीदी को ही क्यों वोट देना चाहते आप? কেন বলবো না, অনেক আমাদের উপকার করেছে দিদি। দিদি আমাদের লকডাউনে অনেক কিছু দিয়েছে, বাচ্চাদের পড়ার পয়সাও পেয়েছি 10,000 করে, তারপরে বই খাতা দিচ্ছে, সব কিছু দিচ্ছে। তো দিদিকে দেবো না তো কাকে দেবো ভাই? দিদি থাকবে। আপনি যে অভি সরকার অভি ইলেকশন হোনে ওয়ালা হ্যাঁ উসমে আপ লোগ কিসকো দিদি 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 কো হি কিউ চাহতে হ্যায়? হাম লোগ দিদি কো জো পাস মে খাড়া রাহতা তো উসকো হি না দেখেঙ্গে আগে, ঠিক হ্যায়, উনকো হি চাহতে হ্যায়। हम लोग सर, हम लोग लॉकडाउन में हम लोग बहुत गरीब आदमी लोग मरा गया है, हम लोग इस बात के लिए दीदी हम लोग को साथ दिया है, गरीब आदमी लोग को गरीब बहुत साथ दिया। आप किसको चाह रहे हैं सरकार? भाई सरकार सब अच्छी है, जो हमारे पास है वो है ममता बनर्जी, हम उन्हीं को चाह रहे हैं।